जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आपका एक बार फिर से ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं राजेश जोशी, ऋषि पराशर जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इस ज्ञान को देने जा रहा हूं। पहले एपिसोड में मैंने कहा था कि इस ज्ञान को गेन करने के लिए कॉपी पेंसिल लेके नोट कीजिए। आज मैं आपको ग्रहों की जानकारी देने जा रहा हूं। ग्रहों के साथ चीजें जुड़ी हुई होती हैं, हर ग्रह के साथ एक चीज जुड़ी हुई होती है, हर ग्रह कई चीजों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर ग्रह से कितने चीजें सामान्यता में मानी जाती हैं, कोई ग्रह किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई ग्रह किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा शरीर और हमारा समाज इन सब चीजों का समावेश है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सारे ग्रह किसी न किसी चीज को शरीर में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। हे सूर्यदेव, कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबसे पहले ये प्रार्थना करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म देवता गिने जाते हैं, ये उत्पत्ति के कारक हैं, ये इस ब्रह्मांड में हमारी आत्मा कारक ग्रह माने जाते हैं। सरकारी नौकरी से देखी जाती है, ये पिता का भी कारक है। हमारे शरीर पे अगर आए तो ये हड्डियों का कारक है, हृदय रोग का कारक है। हृदय की कंट्रोलिंग पावर पूरी जो है वो सूर्य देवता के पास है। सूर्य देव के तेज से ही हमारी पृथ्वी पर सारी जीवात्मा चलती है। सूरज देवता इन सारी चीजों का रिप्रेजेंटेटिव करता है। सूर्य देवता की वजह से हम चलते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा होती है, जितनी एनर्जी होती है, वो सारी सूर्य देव से मिली। एक पांचवी क्लास के बच्चे की आप किताब उठाओ तो आपको इजीली पता चल जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जितनी जीवात्मा है सबके सब का रीजन जो है वो सूर्यदेव है। बिकॉज सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितनी जीवात्मा है सारी सूर्यदेव से देखी जाती है। मान यश सूर्य से देखा जाता है। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पोस्ट लेनी हो तो सूर्यदेव से देखी जाती है। दूसरी बात करते हैं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा हमारी माता का कारक है, चंद्रमा हमारी बॉडी में हमारी लिक्विडिटी का कारक है, तरलता का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा हमारे ऑर्बिट में सबसे तेज चलने वाला ग्रह माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मन का पीछा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मन सबसे तेज भागता है। 24 घंटे में अगर आप देखोगे तो मन 10 किस्म के रिएक्शंस बदलता है, 10 किस्म के इमोशंस होते हैं। किसी हम बच्चे को देख लें तो लाड प्यार आता है, कोई हमें गाली दे उल्टा बोले तो हमें क्रोध आता है, किसी बुजुर्ग को देखें दया आती है, किसी अपाहिज को देखें तो दया भावना जागृत करते हैं। तो ये सारी चीजें मन के अकॉर्डिंगली चलती हैं। मन जो है हमारा वो सबसे तेज इसीलिए चलता है कि 24 घंटे में कितने ही रिएक्शन बदल देता है अपने अंदर। आगे बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता हमारी बॉडी के कारक है, बेसिकली वो हमारी बॉडी के सिग्निफिकेटर हैं सबसे बड़े। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं, आप किसी पहलवान के अखाड़े में चले जाइए, वहां आपको बजरंगबली की फोटो मिलेगी। जिम्नेजियम में चले जाइए, वहां आपको बजरंगबली की फोटो मिलेगी। द रीजन बिहाइंड इट कि हमारी पूरी फिजिकल बॉडी की कंट्रोलिंग पावर जो है वो मंगल देवता के पास, और ये सबके लिए लागू होता है। ये किसी कुंडली या किसी अलग कुंडली के लिए इंडिविजुअल नहीं है, ये सब कुंडलियों के लिए बराबर लागू होती है। इसके मुताबिक अगर और देखें इसको, मंगल देवता को गहराई से अध्ययन करें, तो छोटे भाई बहनों का कारक भी मंगल देवता है। मंगल हौसले का भी कारक है। मंगल से हम आदमी की बोल्डनेस देखते हैं कि आदमी कितना बोल्ड है।
आप देखेंगे पंजाबी में बहुत सारे लोग होंगे लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे, क्यों? क्योंकि मंगल बहुत बली, मंगल मैरिज के टाइम में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी का कारक होने की वजह से अगली जनरेशन की रिप्रोडक्शन मंगल के देखने के बाद डिसाइड की जाती है, तो मंगल इन सब चीजों का कारक गिना जाता है। आगे बात करते हैं बुद्ध देवता की। बुद्ध देवता बुद्धि, बिजनेस और वाणी, ये तीनों चीजें, बुद्धि मतलब हमारा ब्रेन, बिजनेस जो हमारा लेन देन है उसका कारक, वाणी जो हम बोलते हैं। अगर आप किसी की भी देखेंगे कुंडली में, जनरल लाइफ में किसी की वाणी में प्रॉब्लम आ रही है, तो अवश्य ही उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध का दोष होगा, कहीं ना कहीं उसका सेकंड हाउस अफ्लिक्शन में होगा। बुध ग्रह वाणी का कारक होने की वजह से, उसका रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से, उसका खराब होना या अच्छा होना हमारी वाणी अच्छी या बुरी होने को डिसाइड करता है। वाणी में प्रॉब्लम आना, स्पीच प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे, तो सारा बुध का कारक, बुध इसका कारक होने की वजह से सारी चीज़ों का रिप्रेजेंट ये बुध देवता करते हैं। आगे बात करते हैं बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता हमारे ऑर्बिट के सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए उनको देवता भी अपना गुरु मानते हैं, इनको देवगुरु कहा जाता है। दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो देवगुरु के बिना चल पाए, क्यों? क्योंकि देवगुरु प्योर ज्ञान है, देवगुरु के पास पैसा है, पैसे का कारक है देवगुरु, खुशी का कारक है देवगुरु, फीमेल्स के लिए पति का कारक है देवगुरु, औलाद का कारक है देवगुरु, बड़े भाई का कारक है देवगुरु, लड़कियों के लिए पिता तक का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। हमारे समाज में मानियश बृहस्पति देवता देते हैं, ज्ञान बृहस्पति देवता देते हैं, ये सारी चीजें बृहस्पति से रिप्रेजेंटेटिव में आती हैं, बृहस्पति इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देव को दानव गुरु कहा जाता है, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि शुक्र देवता को दानव गुरु कहा जाता है। दानव गुरु कहने का अर्थ क्या होता है? दानव गुरु का मतलब हर क्लेश का कारण, क्योंकि शुक्र देवता भोग योग वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। भोग योग वस्तुएं मतलब गाड़ी, घर, मोबाइल, कपड़ा, टीवी, फ्रिज, हर चीज जिसको आप कंज्यूम कहते हो, कंज्यूम करते हो, कंज्यूमेबल गुड का रिप्रेजेंटेटिव शुक्र देवता करते हैं। आपने कभी देखा है जिंदगी में कि लड़ाई हो रही हो, किसी ने अपने माँ बाप पे ये ब्लेम लगाया होगा, जी छोटे भाई को ज़्यादा आशीर्वाद दिया, मुझे कम दिया? नहीं, कभी इस चीज़ पे लड़ाई नहीं हो रही होगी, हमेशा लड़ाई इस चीज़ पे हो रही होगी, उसे ये चीज़ ज़्यादा मिली, जी मुझे कम मिली, उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई, मुझे कम मिली, मेरे माँ बाप प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि बात आ गई कंज्यूमेबल गुड की, बात आ गई शुक्रदेव की। शुक्रदेव इनका रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से वो चीज़ मेन क्लेश का कारण बन जाती है, और इसी वजह से उसको दानव गुरु कहा जाता है। दानव गुरु का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वजूद लेके आता है, हर क्लेश का रीजन दानव गुरु बन जाते हैं। तो संतान उत्पत्ति के लिए यह बहुत जरूरी। लास्ट बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव के पास डिपार्टमेंट ही गड़बड़ मिला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये न्याय के देवता, न्याय के देवता होने की वजह से अब न्याय जो भी करेगा, एक पार्टी खुश होगी, दूसरी अवश्य नाराज होगी। हमारे ही पुराने संचित कर्मों का फल जो है वो शनिदेव हमें इस जिंदगी में देने आते हैं, तो शनिदेव की मान्यता बहुत ज्यादा है। मैंने पिछले भी एपिसोड में कहा था, कोई भी पाठ, कुछ भी पूजन, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आपके पास कुंडली ना हो, तो किसी वहम में ना पड़ो, चुप करके शनि चालीसा ले लो और पढ़ना शुरू कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। शनिदेव दुख के कारक हैं, शनिदेव तकलीफ के कारक हैं, शनिदेव पेन के कारक हैं, शनिदेव सौरव, दिक्कत परेशानियां, प्रॉब्लम्स, ये सारा डिपार्टमेंट जो है वो शनिदेव के पास। धरती के गर्भ में जितना कोयला है, हीरे हैं, वो सब शनिदेव की गर्मी की वजह से बनते हैं, तो शनिदेव इसके अकॉर्डिंगली सारी तरलता, ये सारी नशे वाली चीज़ें, अल्कोहल वगैरह, ये सारी शनिदेव के अंडर आती हैं। सारा लोहा, लोहे का काम सारा शनि देव के अंडर आता है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज कंसिडर की जाती है। लास्ट में रह गए राहु केतु। राहु देवता हमारे इस ब्रह्मांड का सबसे वर्स्ट प्लेनेट,
आप कहेंगे जी हमने शनि देव के बारे में तो बहुत सुना, राहु देव के बारे में तो सुना नहीं। लेकिन राहु देवता शनि से भी 4 डिग्री आगे हैं। क्यों? क्योंकि राहु इज कंसिडर्ड एज अ शैडो ऑफ द सैटर्न, शनि देव की परछाई माना जाता है राहु देवता। एक आदमी मेरे पास बैठा है, मैं उसको को पाजी इधर उठ के इधर आ जाओ, वो आ जाएगा 2 मिनट में, लेकिन उसकी शैडो का मैं क्या करूंगा? मैं उसकी परछाई का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो सुनती है, ना वो समझती है, ना मैं उसके साथ जोर आजमाइश कर सकता हूं। ड्रग एडिक्शन, जुआ, सट्टा, लॉटरी में नुकसान, गलत काम जितने समाज में होते हैं, सारे राहु देवता का डिपार्टमेंट है। सारे क्लेश का रीजन राहु देवता बन जाते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड होना, ये राहु देवता के अंडर आता है। पूरा काम ना होना, ये राहु देवता के अंडर आता है। काम को डिले करना, ये राहु देवता के अंडर आता है। राहु का कुंडली में कभी अपना घर नहीं होता, और ना ही केतु का होता है। लास्ट में केतु की बात करते हैं। केतु मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा जाता है। केतु से हम नान के देख सकते हैं, केतु से हम मोक्ष की प्राप्ति देख सकते हैं, केतु से हम रोग देख सकते हैं। राहु, केतु, शनि, ये तीनों ही रोग के कारक हैं। आप 90% कुंडलियां उठाओगे, आपको देखने में मिलेगा जिसकी भी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि, राहु या केतु से जुड़ी हुई होगी। क्यों? क्योंकि तीनों इस चीज के कारक हैं। किसी पे साढ़सती चल रही है, किसी पे राहु की महादशा चल रही है, किसी पे केतु की महादशा चल रही है, किसी पे टैया चल रहा है। ये सारी चीजें इनके डिपार्टमेंट्स में आती हैं। तो ये जज हैं, ये मोक्ष प्राप्ति के कारक हैं, ये आपको पेन देने के कारक हैं। इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स का रीजन ये बनते हैं। तो सारी चीजों के लिए एक लास्ट में आपको बात कहना चाहूंगा, सूर्य देवता हृदय और हड्डियों के कारक हैं, चंद्रमा देवता हमारी बॉडी में तरलता के कारक हैं, मंगल देवता लाल है वो हमारी बॉडी में ब्लड के कारक हैं, बुध देवता हमारी बॉडी में बुद्धि और स्किन के कारक हैं, बृहस्पति देवता हमारी बॉडी में चर्बी के कारक हैं, शुक्र देवता हमारी बॉडी में वीर्य के कारक हैं जिसमें हमारी संतान उत्पत्ति होती है, शनि देवता हमारी बॉडी में पेन के कारक हैं, राहु केतु साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर रोग वाइज देखी जाए तो ये सारी चीजें आप ग्रहों को देख के डिसाइड कर सकते हो किसको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्रह देख करके उसके रेमेडियल मेजर आप खुद अडॉप्ट करके उससे हम फारग हो सकते हैं, कम से कम उसका इतना प्रभाव डिक्रीज कर सकते हैं ताकि उसे रिजल्ट्स मिलने में दिक्कत ना आए और वो जिंदगी चला ले। ये सारी जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं जस्ट लाइक अ बिकासोल की गोली होते हैं, आपको ओलंपिक्स में फर्स्ट नहीं लेके आने वाले, लेकिन वो गाड़ी इस हिसाब से चलाने वाले हैं कि आपकी गाड़ी चल पड़े, शताब्दी नहीं बनने वाली, मालगाड़ी जरूर बन जाएगी, जिंदगी जीने के काबिल जरूर बन जाएगी, जिंदगी रहने के काबिल जरूर बन जाएगी। ये चीज मेन नियम बनाता है जिंदगी। आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा दर्शकों, मुझे लगता है आप सबके अंदर कहीं ना कहीं एक ज्योतिषी छिपा है, आप सबके अंदर ज्योतिषी है। अगर एक आदमी कुंडली बनाता है, कुंडली उसके पास है, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो चाहे हाथ की बनी हो, इसका मतलब वो ज्योतिष विद्या में विश्वास करता है। ये एक अटल सी सत्यता है। मुझे उस ज्योतिषी को अंदर से जगाना है। मैं आपकी मदद करता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। किस किस्म से? सिर्फ एक प्रोग्राम देख करके, ताकि 3 महीने में किसी पंडित किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, खुद की प्रॉब्लम पता हो कैसे आने वाली है और मैं उसको कैसे बच सकता हूं, ये देखना आपका कार्य है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आखिरी बात आपसे करना चाहूंगा कि इस विद्या का समावेश बहुत बड़ा है। मैं गागर में सागर भरने की कोशिश करता हूं। आप इसको लिखते चले जाइए, नोट करते चले जाइए, आपके रिजल्ट सारे इसी से जुड़े हुए हैं। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा लेता हूं और प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें, क्योंकि शनिदेव ही हमारे न्याय के मालिक हैं। जय शनिदेव।